गाड़ी, हिमा ने गाड़ी ली थी और आप ही ने उससे छीन ली गाड़ी। लड़ाई होगी दोनों की, देखो लड़ाई होगी। वो भी बराबर का हाथ चलाती है और अब नाटक करके दिखा रही है। मैं ना 12 बजे थे जब मैंने इसको प्रेशर को लगाया था, 1.5 घंटा हो गया मुझे। चने जो है वो गलने का नाम ही नहीं ले रहे यार, पका के रख दिए इन्होंने मुझे। देखें जी बच्चे आए हैं दुकान पे अपने पापा के पास और हिबा देखें आते और उसने खराब कर देनी है, वो भी सारी खाम मुँह में डाल रही है। हिबा एक ही टोक टोक के छुट्टी जा रही है। ठीक है ना शब? हाँ जी, ईद आने वाली है, शब ने कुर्बानी ले ली है। अच्छा, हमने भी नहीं ली। आपने भी नहीं ली? हमने भी नहीं ली। चलो जिसने ले ली है अल्लाह पाक उसे कबूल करे। हिबा ने व्लॉग बनाना है आज। अरे हिबा व्लॉग बनाएगी? हाँ जी, मैं व्लॉग बनाऊंगी। आप सब मेरी बातें ना सुनते? हाँ जी, मेरी बातें सुना करें आप। हाँ जी, कैसे आप सब? ठीक है? हाँ जी, मैं ठीक हूँ। देख ले, मैं कोई पंगा ले रही हूँ। पंगा मैं क्या ले रही हूँ? देखिए जरा, मैं क्या पंगा ले रही हूँ? मेरे पास एक गाड़ी है। गाड़ी नहीं है मेरे पास, एक रेजर है। मैंने आप ही की रेजर चोरी कर ली है। हो, आप ही की रेजर चोरी कर ली? और क्या, आप ही मुझे तेजी कोई नहीं है, जी लेती रहती है, लेती रहती है। मैंने कहा मैं रखा के चेक करूँ, मुझे की है नहीं, मुझे की वो मुझे की होती है। ये तो तोड़ के मैं फेंक देती हूँ। तो जी हिबा की छोटी छोटी बातें सुन के आप लोग फ्रेश हो गए होंगे। तो जी आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। वेलकम हो गया आपका लाइफ विद डॉटर्स में। तो उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक हैं। और बस अभी जो है ना, आज है जुम्मा मुबारक। तो सबसे पहले आप सबको जुम्मा मुबारक। तो मुझे लगता है आज जिलहज की पता नहीं कितनी डेट है, याद नहीं है मुझे सही से। देख के ना फिर बताऊँगी। ये भी है हज का भी दिन होता है ना, तो देखते हैं किस दिन हज होगा। तो उसके मुताबिक फिर हमने अमाल वगैरह, यानी कि कोई विद शिद कोई अमाल वगैरह करते हैं ना, कोई सबक वगैरह पढ़ते हैं, फिर तो उसके हिसाब से ना देखते हैं। अभी जुम्मा है तो आज इंशाल्लाह दुरूद पाक पढ़ेंगे और अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि हमारे घर पे, हमारे घर में सुकून अता फरमाए, आप सबके घरों में भी सुकून अता फरमाए और हमारे घर पे भी रहमत नाजिल फरमाए और आप सबके घर पे भी रहमत नाजिल फरमाए। क्योंकि दुआएं जो हैं वो किस्मतें बदल देती हैं, तकदीरें बदल देती हैं। ये तो आप सबका ईमान है, तो हमारा भी यही ईमान है कि किसी की दुआ जो होती है ना, वो अल्लाह तक डायरेक्ट पहुँच जाती है और फिर वो डायरेक्ट असर भी कर जाती है। तो बातें हमारी चलती रहेंगी। आज जो है ना वो थोड़ा सा काम वगैरह से तो मैं फ्री हो चुकी हूँ। शावर वगैरह भी सबने ले लिया है। अभी मैं किचन में थी, किचन से आई, मैंने कहा आज ज़रा लो ज़रा हट के स्टार्ट करो यार, क्या किचन में यूज़ स्टार्ट करती रहती हूँ और भाई तो आप लोग भी बोर हो जाते हैं। तो इसलिए आप लोग की बोरियत जो है ना वो दूर करने के लिए मैंने कहा चलो ज़रा पीछे का बैकग्राउंड चेंज कर दूँ। तो मैंने ना सफाई वगैरह की थी अभी। देखें जी, सारा मैंने काम वगैरह कर लिया था। अभी ये चारपाई खड़ी के यहाँ से गीला था, मैंने धोया था। तो ये है ना, कोशिश है मेरी ये कि कल जो है ना वो मैं लगाऊंगी मशीन, क्योंकि ईद आने वाली है। ईद से एक दिन पहले सारे बिस्तर वगैरह जो भी है, चादरें बेडशीट ये वो सारी धोनी है। इंशाल्लाह कल लगाऊंगी मशीन, आज मैंने मशीन नहीं लगाई। आज हम खाने में क्या बना रहे हैं ये तो आप जब किचन में इसमें साथ चलेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि आज मैं खाने में क्या बना रही हूँ। तो फिलहाल जो है वो चलते हैं अंदर और देखते हैं आज के दिन में क्या है स्पेशल। तो जी देखिए, मैं रूम में आ चुकी हूँ और देखिए सफाई मैंने की थी और लेकिन सफाई का इन्होंने क्या कर दिया है, कबाड़ा। और एज़ यूजुअल देखिए हिबा क्या कर रही है, मुझे बता दिया। देख सारा कुछ बाहर निकाल दिया ना। हाँ, वो देखो कचरा भी फैला दिया। देख कचरा भी फैला दिया और मैंने फैलाया जी। तो हिबा के हाथ में डिब्बा आपने जाने क्यों दिया? हिबा शरारत की पुड़िया, उसने रेजर भी खा लिया। देखो जरा रेजर भी, देखो ये खाने वाली चीज़ है, तेरे जो दो दांत है ना आगे वाले,
छोटे छोटे। तो ये दोनों अपना काम कर रही हैं, फ्रेश हो गई थी नहा के, तो अभी पहले मैं हंडिया वगैरह बना लूँ, बाद में इनके बाल वगैरह बनाएंगे। पहले हंडिया बनाएं, बाद में बाल बनाएंगे, है ना। तो प्रेशर में जो है ना अपनी सीढ़ियाँ गुल कर दी हैं और बुर्र करके आवाज़ आ रही होगी आपको पीछे से, ये प्रेशर की आवाज़ है चलने की। आज मैं क्या बना रही हूँ ये तो मैं आपको जाके ही बताऊँगी। हिबा जो है वो कह रही है ये गाड़ी मुझे पसंद नहीं आई, मैंने ये गाड़ी लेनी है। हिबा को गाड़ियाँ पसंद नहीं आ रही, जो भी गाड़ी नज़र आ रही है उसको फुस किए जा रही है, फुस। हाँ देख हिबा कौन सी गाड़ी पर बैठना है, बैठ जाओ गाड़ी पर। मैंने ये गाड़ी अरे लेनी, मैंने पिछली वाली करोला लेनी है। करोला तो कहके पुरानी हो गई है, कोई नई वाली गाड़ी का नाम लो। चलो मामा प्रादो ले लेंगे। हाँ जी ये बात सही है, प्रादो लेंगे हम। तो ये आपी ने ऐसे खींच ली है गाड़ी, हिमा ने गाड़ी ली थी और आपी ने इसे छीन ली गाड़ी। लड़ाई होगी दोनों की, देखो लड़ाई होगी। वो भी बराबर का हाथ चलाती है और अब नाटक करके दिखा रही है, नो रही है। देखा देखा नाटक, देखे नाटक, जरा चेक करें आप इसके नाटक। ये बहुत अब बातें करने लग गई है, बहुत ज़्यादा बातें करती है ये लड़की, है ना। और क्या, मैंने बातें नहीं करनी, अल्लाह ताला ने मुझे जुबान दी है, सारी बातें करनी है मैंने। हाँ जी अब मैं किसी और मिशन पे निकलने लगी हूँ, ये मेरा मिशन में काम हो गया गाड़ी ख़राब करने वाला। अब नेक्स्ट किसी मिशन पर निकलते हैं, यहाँ से गिर गई तो पटाखा पड़ गया ना। हाँ जी नहीं मैं पंगा फिर भी लूँगी, आप पीछे रहो, चोट लग जानी है, गिर जाओगी। नहीं हटना, लो जी बैठ गई। सर जी तो देखिए मैं बना रही थी काले चने, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ बैर को ना ये खोल लो, क्योंकि इसको टाइम जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा हो चुका है। मैं आपको टाइम दिखाती हूँ कि मैंने ना 12 बजे थे जब मैंने इसको प्रेशर को लगाया था, डेढ़ घंटा हो गया मुझे चने जो है वो गलने का नाम ही नहीं दे रहे यार, पका के रख दिए मैंने, मुझे मैंने अभी आलू बॉयल करने थे तो यही नहीं कर रहे हैं। मैं सोच रही हूँ पहले आलू बॉयल कर लेती हूँ, मैंने इधर चावल बना लिए, मैंने इधर आटा गूंथ लिया है, इतने आधे काम मैंने कर लिए, लेकिन इनको आज है ना ये सीन ख़त्म ही नहीं हुआ कि ये पक जाए। दीदी मैं आपको चेक करवाती हूँ तो इनके अंदर देखें कच्चापन भी होगा, देखते हैं अभी। तो अभी इनको पकाने के लिए मुझे कुछ ना टोटका लगाना पड़ेगा, प्रेशर को खोलें पहले, देखें पहले मैं इसको खोलूँ। देखें जी पक पक के इनकी हालत क्या हो चुकी है प्रेशर की, और पानी भी देखें ड्राई हो गया तकरीबन। और चने जो है मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये देखें गरम बहुत ज़्यादा है, ये देखो अभी भी ये चने नहीं गले। तो अब इनको गलाने के लिए मैंने क्या करना है, ये देखें जी ये है मेरे पास मीठा सोडा नज़र आ रहा है। अब मैं एक चुटकी जो है ना ये मीठा सोडा इनमें डालूँगी ताकि जो है ना ये गल जाएं। इसमें थोड़ा पानी ऐड करते हैं, उसके बाद इनको दोबारा प्रेशर पर लगाते हैं और मैं उधर रोटियाँ बनाऊँगी। देखिए जी 2 घंटे की अथक मेहनत के बाद अब मेरे चने जो हैं वो गल गए हैं, और इनमें जो है ये देखें मीठा सोडा डालने की वजह से गले हैं जी। इस वक्त खुदा हादिया कहाँ जा रही हैं, खुदा कहाँ जा रही हो आप, पापा के पास। पापा के पास दो दांत कहाँ गए हैं आपके, दांत कहाँ हैं। देखें ये भी जा रही है मेरे साथ, हिबा जा रही हो, हिबा कहाँ जा रही हो, हिबा पापा के पास जा रही हो, पापा पापा ये पापा के पास जा रही है। देखें जी बच्चे आए हैं दुकान पे अपने पापा के पास, और हिबा देखें आते ओ, ओ, उसने खराब कर देनी है, वो भी सारी खाम मुँह में डाल रही है। हिबा एक ही टोक टोक के छुट्टी जा रही है, हाँ तो खराब कर रही हो। घर से खाई नहीं थी आपने, हैं खाई नहीं थी, अब ना लो, नो नो हादिया आप इसके पास से पीछे हो जाओ, छोड़ दो इसको, छोड़ दो ख़राब ना करो चीज़। तो देखें जी अभी स्टॉल पे सब्जी दे रहे हैं, लेडीज़ खड़ी हैं इसलिए।
देखें जी मोजे मार रहे हैं ये। हाँ जी वो गली में आए हुए जानवर तो उनके पास खड़ी हैं, पता नहीं क्या कर रही हैं। घर आ जाओ हिबा, हिबा भी चली गई इनके पास। फिर उन्होंने कुछ कहा था नहीं, मारा था नहीं। चलो अच्छी बात है, फिर मैं अपने प्रोग्राम पे एंड करूँ इंशाल्लाह। आपसे मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अच्छा बकरे के सर पे चोट लगी थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। हिबा को फिर छोड़ आइयो भाई।